भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। ज्योतिया सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश से यह राज्यसभा सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ जॉर्ज कुरियन विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी से राज्यसभा सांसद का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा में जाने से मध्य प्रदेश और केरल का संबंध और मजबूत हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि जॉर्ज कुरियन के चुने जाने पर मध्य प्रदेश में उनके अनुभव से नए नए विकास होंगे। वहीं जॉर्ज कुरियन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश के विकास में पूर्ण सहभागी बनूंगा। सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने यह जवाबदारी दी और हमारा मध्य प्रदेश का और केरल का संबंध और मजबूत किया। आज मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीट से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी जो केरल से आते हैं, आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जॉर्ज कुरियन जी मध्य प्रदेश से चुना जाना, ये हमारे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास में उनके माध्यम से कई प्रकार के नए आयाम स्थापित होंगे। आज कुछ सर्टिफिकेट मिल गया, राज्यसभा मेंबर चुना गया बोल के। अभी तो मैं मध्य प्रदेश के लोगों को और इधर का पार्टी लीडरशिप को और पार्टी का केंद्र लीडरशिप को प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।